हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीज़ा नई कंट्री के साथ लेके आई है। वीज़े के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हो तो आप लोगों को फुल डिटेल पता नहीं चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीज़े के बारे में बात कर लेते हैं। वीज़ा कहाँ का है, क्या डिटेल है, क्या सब है, इसका डिटेल सब देख लेते हैं। तो पहला वीज़ा जो है न्यूजीलैंड का है, विजिटर वीज़ा है, ठीक है। ये वर्क परमिट वीज़ा नहीं है, विजिटर वीज़ा है, ठीक है। विजिटर वीज़ा है, गेट मल्टीपल एंट्री, अप्लाई विद फैमिली फ्रेंड फर्स्ट वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूजीलैंड अगर किसी को जाना है विजिटर वीज़ा में तो जा सकता है, मल्टीपल एंट्री मिलेगी, ठीक है। मल्टीपल एंट्री का मतलब कि जैसे अप डाउन कर सकता हो, साल में जो है एक दो बार तीन बार चार बार आ सकता है, जा सकता है, मल्टीपल एंट्री, ठीक है। इसका वीज़ा का प्रोसेस टाइम जो है 3 से 4 महीने का है, और इसको जो है आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है अपना आप लोग सेटिंग चाहें तो वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर कोई आपका वहाँ पर बंदा है तो सेटिंग करा सकता है आप लोग की, ठीक है। दूसरा वीज़ा जो है सर्बिया का है, वर्क परमिट वीज़ा है, ठीक है। ये भी यूरोप का वीज़ा है, ये वर्क परमिट है। पहला वैकेंसी जो है शटरिंग कारपेंटर है, सैलरी जो है 750 डॉलर सैलरी है, और खाना फ्री है, और क्वांटिटी इसके अंदर 20 है। दूसरी वैकेंसी जो है पलम्बर की है, ठीक है। पलम्बर की वैकेंसी है, इसमें क्वांटिटी 20 है, 20 है क्वांटिटी, सैलरी जो है 600 डॉलर सैलरी प्लस फूड जो है इसके अंदर फ्री है, सब में फूड फ्री है। तीसरी जो है ऑलराउंडर मेसन है, 550 सैलरी प्लस फूड फ्री। चौथी वैकेंसी है असिस्टेंट कुक की, 550 सैलरी फूड फ्री, ठीक है। ये सर्बिया का है, सर्बिया यूरोप कंट्री है, सर्बिया का ये काम है, ठीक है। ड्यूटी 10 घंटे की है, 21 साल से 45 साल तक का बंदा है जो है इसमें चलेगा, और 3 महीना से लेकर 6 महीने, इसमें क्लियर कट बता दिया गया, 3 से 6 महीना का जो है प्रोसेसिंग टाइम है। तो जो बंदा इतना दिन वेट कर सकता वही बंदा अप्लाई करे, अदरवाइज जो है दूसरा बंदा अप्लाई ना करे, क्योंकि यूरोप कंट्री के में टाइम लगता है, इतना जल्दी काम नहीं हो जाता, बंदे लगते हैं हड़बड़ाने के लिए। तो इसमें जो पेशेंस रख सकता वही बंदा जो है इसके अंदर अप्लाई करे, बाकी जो है अदर वैकेंसी में वो ट्राई करे, ठीक है। तीसरी वैकेंसी जो है रोमानिया की है, ठीक है, रोमानिया की है। एक ही जो है इसके अंदर पोजीशन है, फोरक्लिप ऑपरेटर, वर्क परमिट ये भी है। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका बहुत ज़्यादा लंबा है, 5 से 7 महीना का है। इतना दिन अगर कोई वेट कर सकता तभी अप्लाई करे, मगर वीज़ा जो है 100% गारंटी के साथ मिलेगा। सैलरी इसकी बहुत हाई फाई है, 1 लाख तक सैलरी है, 900 से 1200 यूरो तक सैलरी है, प्लस ओटी भी है, खाना फ्री है इसमें, 6 दिन ड्यूटी है इसमें, और 10 घंटे की ड्यूटी है, 6 दिन काम रहेगा और जो है दिन छुट्टी रहेगी, और ड्यूटी आवर्स जो है 10 घंटा है। फ्री एकोमोडेशन टीआरसी बाई कंपनी, ठीक है, टीआरसी कंपनी बना के देगी आप लोग को। फिर उसके बाद चौथी जो वैकेंसी है ये जो है, क्योंकि रोमानिया के सर्बिया के सब जगह का टाइम लगता है भाई, ठीक है, 3 से 4 महीना, और जो फर्जीवाड़ा वाला काम करता है बोलेगा हाँ 15 दिन में, 1 महीना में मैं वीज़ा दे दूंगा, तो 1 महीना 15 दिन में ये सब गल्फ कंट्री का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है अभी तो। यूरोप का काम, यूरोप का कम से कम अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई कहीं से भी काम करवा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं हमी से काम कर रहे हैं, कहीं से काम करवा रहे हैं तो आप लोग जो है कम से कम जो है 3 से 4 महीने का अगर टाइम बता रहा है, 3 महीना बता रहा है तो सही है, ठीक है। 2 महीना 2.5 महीना भी बता रहा है तो फिर भी लगभग ठीक है, अगर कोई 15 दिन 1 महीना बोलता है समझ लीजिए फर्जी है, ठीक है। मेरा काम है जो है आप लोग को फर्जीवाड़ा से बचाना, जो है गलत लोग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पैसा भी डूब जाएगा, आप लोग जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बस बंदे जो होते हैं यूरोप कंट्री जाने के लिए उधार कर्जा लेके जाते हैं, उनका पैसा जो है डूब जाता है, तो फिर उनका जो है पूरा हिम्मत टूट जाती है, दोबारा वो प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइए, यूरोप का काम कहीं से भी आप लोग करा रहे तो पहले ऑफिस में विजिट करिए, अगर कोई भी बताता है आप लोग को यूरोप का काम है तो उससे पूछो, ठीक है भाई ऑफिस कहाँ है, लाइसेंस कैसा है उसका, 1000+ ऑफिस है कि नहीं, ठीक है, उससे लाइसेंस, और ये 1000+ ऑफिस एड्रेस लीजिए, एड्रेस जाके खुद विजिट करिए ऑफिस में, ऑफिस देखिए आप लोग अच्छे से, उसके बाद ही जो है पेमेंट वेमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाइए, ठीक है। कोई भी पेमेंट ऑनलाइन नहीं करें, जाके खुद जो है ऑफिस में जो है बात करके डायरेक्ट दें, ऐसा नहीं कि फोन पे इस पे आप लोग जो है बिना देखे हुए ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि स्कैम बहुत चल रहा है अभी आजकल, तो आप लोगों को बच के रहना है सब चीज़ से, लोग पैसा भी आप लोग का खा जाएंगे और जा भी नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो वैकेंसी है कुवैत की है, रेस्टोरेंट की है, रेस्टोरेंट इन कुवैत, बेसिक डिटेल्स है इसका। सैलरी जो है
120 प्लस 150 केडी, ठीक है, 120 केडी से लेकर 150 केडी तक सैलरी है इसकी। एज लिमिट जो है 25 से 45 साल है। जेंडर मेल फीमेल, तो लेडीज और जेंट्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकता है। क्वांटिटी जो है इसके अंदर क्वांटिटी 12 है, ठीक है, और इसके अंदर जो है 12 पास मांगा है। 12 पास हो या तो इंग्लिश उसको आना, 12 पास होना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए, या तो फिर अगर इंग्लिश नहीं आए तो उसको अरबी आना चाहिए, ठीक है, तभी उसका हो पाएगा। इसके अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है। एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाई रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है, तो इसमें जो एकोमोडेशन देगा, खाना खुद करेगा, खाना क्या रहेगा क्योंकि रेस्टोरेंट में खुद ही आप लोगों का खाना का जुगाड़ हो जाता है, तो खाने की टेंशन नहीं रहती है, खाने का जो है आप लोगों का जो पैसा बच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी जो है इसके अंदर जो है 12 घंटे की, अरे सॉरी बोल रहा हूँ 10 घंटे की ड्यूटी है। ड्यूटी रहेगी इसके अंदर, चलिए ठीक है, यही सब डिटेल है। 4 जगह का वीजा है, मैं एक ही में वीडियो बना दिया क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता है और जो है मेरे के पास भी उतना टाइम नहीं रहता, मैं ड्यूटी खुद करता हूँ कि जो अलग अलग वीडियो बनाऊँ तो इससे टाइम ज़्यादा जाता है, और एक ही में वीडियो बना दिया 2-3 वैकेंसी का, तो आप लोग को भी ईजी हो जाएगा, एक वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को ईजी होगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम उतना नहीं रहता है कि मैं वीडियो बना, अभी वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, मैं काम में बिजी रहता हूँ ज़्यादा, इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। आज टाइम मिला तो मैं सोचा वीडियो डाल दूँगा, अच्छी अच्छी वैकेंसी आई है और अच्छी अच्छी जगह का काम आया है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और भी कुछ नॉलेज लेना है तो मेरे पर नंबर पर SMS करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नया वीडियो सा, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ओके बाय।